नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ बुधवार व्रत की कुछ रेसिपी शेयर कर रही हूं। बुधवार के दिन भगवान गणपति की पूजा की जाती है और हरा भोजन खाया जाता है, इसलिए कुछ हरी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं वो कौन कौन सी रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना रहे हैं मिठाई। मिठाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिठाई बनाया है मैंने वो भी हरा ही है, तो इसमें मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से बना करके आप खा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कढ़ाई में दूध डालना है। तो दूध पूरा मलाईदार आपका होना चाहिए, फैट कुक मिल्क होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब आप मिठाई बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बन करके यहाँ पे हमारी मिठाई तैयार होगी। तो दूध को आपको गाढ़ा कर लेना है और इसका मावा तैयार कर लेना है, क्योंकि मावे की जो स्टफिंग है वो हम मिठाई के अंदर करेंगे, उससे जो मिठाई है उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और ये दो लेयर की मिठाई बन करके हमारी तैयार हो जाती है, जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो बुधवार के व्रत के दिन आप इसको आराम से बना करके खा सकते हैं, क्योंकि एक फलाहारी रेसिपी है और इस व्रत में जो फलाहारी रेसिपी है वो खाई जाती है। तो यहाँ पे दूध हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने इसमें चीनी डाल दिया और अब हाई फ्लेम पे मैं दूध को अच्छे से सुखा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो मावा हमारा है वो तैयार होने ही वाला है। हल्का सा हम इसको और ड्राई करेंगे, उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी और इसकी जो मिठाई है वो आराम से यहाँ पे हमारी तैयार हो जाएगी। तो दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, लौकी ले लेंगे। लौकी को व्रत में खाया जाता है, आप आराम से लौकी व्रत में खा सकते हैं। यहाँ पे लौकी का जो छिलका है उसको मैंने निकाल दिया है। अब लौकी को दो पीस में हम कट करेंगे और कट करने के बाद इसको कद्दूकस करेंगे। तो लौकी को यहाँ पे घिस करके आपको रख लेना है और उसके बाद इसकी मिठाई हम बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे लौकी को मैंने घिस लिया है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर लौकी में बीज ना हो तो ये ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अगर बीज वाली लौकी भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने भी बीज हो आप उसको निकाल के अलग कर दीजिए और लौकी का जो रस है उसको भी निकाल के अलग कर दीजिए, और नहीं तो भूनने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितना रस है उसको निचोड़ करके आप अलग कर दीजिए, उसके बाद आप लौकी को भूनिए। तो यहाँ लौकी को भूनने के लिए मैंने डाला घी। अब जो घिसे हुए लौकी है उसको मैं इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद इसको हम भून लेंगे। भूनने में 3 से 4 मिनट का वक्त जाता है। लौकी को थोड़ा अच्छे से अगर आप भूनेंगे तो इसका जो टेस्ट है काफ़ी बढ़िया आता है और हमारी जो मिठाई है काफ़ी बढ़िया बनेगी। तो इस मिठाई को आप बुधवार के व्रत में खा सकते हैं, आप ऐसे भी इस मिठाई को बना करके खा सकते हैं, और अगर दीपावली वगैरह में भी चाहें तो आप इस मिठाई को बना सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में और दीपावली में लक्ष्मी पूजन भी होता है, तो आप माता लक्ष्मी को भी इस मिठाई को बना करके और भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक फलाहारी रेसिपी है। अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं तो आप इसको नवरात्रि में बना सकते हैं। तो ये आप किसी भी टाइम में आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बुधवार के दिन हरा भोजन किया जाता है और लौकी जो है वो हरी तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा फूड कलर का इस्तेमाल किया ताकि हमारी रेसिपी हरी हो जाए। और अब इसमें डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो चीनी आपको स्वाद के अनुसार डालना है, अगर आप गुड़ डालना चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, उससे भी जो मिठाई है काफ़ी टेस्टी बनती है। बट काफ़ी लोग गुड़ पसंद करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते, इसलिए मैंने चीनी ऐड किया। और ये देखिए इसका जो कलर है बिल्कुल हरा हरा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो हरा भोजन किया जाता है तो आप उसमें कलर डाल के भी खा सकते हैं, या फिर कोई भी हरी सब्जी, हरे फ्रूट्स, कुछ भी आप खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्वीट डिश बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें हरा कलर ऐड कर दिया। अब लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ ताकि इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो सूख जाए, क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी ऐड किया। और ये देखिए यहाँ पे स्टफिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है मावा वाली, और यहाँ पे लॉकिंग भी हमारी तैयार है, और थोड़ा सा मैंने घी ले लिया। तो घी को क्या करना है, आपको अपने हाथों पर लगाना है ताकि जो स्टफिंग है वो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। तो अच्छे से घी लगा लेंगे और हम मावा लेंगे और मावा को हाथों में रोल करेंगे। तो आपको लंबा शेप देना है, यहाँ पे रोल करना है जिस तरह से ब्रेड रोल बनाते हैं ना उसी तरह से। अगर आप चाहे तो गोला भी बना सकते हैं, गोला बना दीजिए, फिर उसको उसके ऊपर भी गोला ही आप करके फिर लपेट दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक लंबा शेप दे रही हूँ, उससे क्या होगा हमारी जो मिठाई है काफ़ी क्यूट दिखेगी, इसलिए मैंने इसको लंबा लंबा रोल की तरह कर दिया है। अब सभी मावा को आपको इसी तरह से रोल कर देना है। अब लौकी की जो स्टफिंग, लौकी की जो मिक्स तैयार किया हमने ना, उसे थोड़ा सा लेना है और इसको इस तरह से फैला देना है और इसके अंदर मावा का जो मिश्रण है उसको डाल देना है और इसको अच्छे से कवर कर देना है।
तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया। और ये देखिए हमारी बहुत ही जो प्यारी सी मिठाई है यहाँ पर बन कर के तैयार हो जाएगी। तो आप इसको भोग भी लगा सकते हैं गणपति जी को, और भोग लगाने के बाद आप इसको खा सकते हैं। तो सभी मिठाई को आपको इसी तरीके से तैयार कर देना है। और लौकी थोड़ी सी यहाँ पे गीली टाइप की रहती है, तो इसको आपको क्या करना है कि 1 से 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में डाल दीजिए, तो ये हल्की सी टाइट हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और ठंडा ठंडा खाएँगे ना तो काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में भी। तो इससे पहले भी बुधवार के व्रत की बहुत सारी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उन सबों का जो प्लेलिस्ट है मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, तो उन सभी प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लिंक भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए मिठाई को डाल दिया था, और मिठाई हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। आप ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लग रही है। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो मावा है उसको भरा था। तो ये देखने में मिठाई कैसी लग रही है, तो ये मैं आपको एक मिठाई को यहाँ पर कट करके दिखाती हूँ। काफ़ी खूबसूरत लगती है ये देखने में भी। तो आप रक्षाबंधन, दीपावली, किसी भी फेस्टिवल में भी इसको आप बना करके और खा सकते हैं, और व्रत में भी खा सकते हैं। पूरी तरह से एक फलाहारी रेसिपी है। तो इसमें से एक मिठाई को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, तो कि ये कैसी दिख रही है अंदर से। तो ये देखिए मैंने इसको कट किया, और बहुत ही प्यारी दिखती है अंदर से। ये अंदर से मावा दिखता है, और ऊपर से जो लौकी के हमने डाला ना वो दिखता है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। तो चलिए अब हम बना लेते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी, जो है पराठे। तो यहाँ पे पराठे भी मैंने हरे ही बनाए हैं, हरे साग के पराठे बनाए हैं, जो काफ़ी हेल्दी भी है और टेस्टी भी। यहाँ पर मैंने हरा साग ले लिया है, क्योंकि बुधवार के व्रत में हरा साग ही खाया जाता है। अब हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब डाल देते हैं गर्म मसाला का पाउडर, इसे जो हमारा पराठा है काफ़ी स्पाइसी बनेगा। अजवाइन के दाने और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो पालक के साग, कोई भी साग यहाँ पे आप ले सकते हैं पराठा बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे एक ही पराठा आपको बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपको बस सजेस्ट कर रही हूँ कि आप क्या बना करके बुधवार के व्रत में खा सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और पराठा बना लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल प्लेन आटा मैंने ले लिया है, और इसको अब हम सूखे आटे में लपेट लेंगे, इसके अंदर स्पेस बनाएंगे। तो आज की जो रेसिपी है उसमें मैंने सेंधा नमक इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे पहले 2 बुधवार की रेसिपी मैंने 2 सप्ताह में डाली है, उसमें मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि काफ़ी लोग व्रत तो नहीं करते हैं, लेकिन सेंधा नमक खा डाल करके हरा भोजन खा लेते हैं, तो इसीलिए ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। तो इस तरह से इसको फैला लेंगे, और हमने जो मसाले तैयार किए हैं उसको इसमें डाल देंगे, इसको कवर कर लेंगे। और अब हमें बेल लेना है, तो अगर आप सेंधा नमक नहीं खाते हैं तो सेम रेसिपी को आप बिना नमक, सेंधा नमक के भी बना सकते हैं। उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, सिचुएशन में, कि आप जो साग है उसको आटे के साथ ही मिक्स करके और गूंद लीजिएगा, तो वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। नहीं तो अगर इस तरह से आप भरेंगे और नमक पता नहीं चलेगा तो फिर खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। तो इस तरह से आपको बेल लेना है, जितना आप बेल सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई आटा मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि साग की वजह से थोड़ा सा ये जो है बेलने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट इसके जो पराठे हैं खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। छोटे छोटे आप बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए इसको हम सेक लेते हैं, और अब इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। तवा हमारा गर्म है, तो हल्के से हाथों से मैंने इसको हल्का सा प्रेस कर लिया, ताकि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और ये देखिए अब बिल्कुल जो पराठे है उसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से पराठे आप बना सकते हैं। इसको एक साइड से हम सिकने देते हैं, पलटेंगे। एक और फिर से यहाँ पे हम पराठे को पलट लेते हैं, और इसके ऊपर घी या फिर रिफाइंड ऑयल आप जो भी खाते हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बिल्कुल क्रंची कर लीजिएगा, इससे जो पराठे का टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
तो ये देखिए अब जो हमारे पराठे हैं दोनों साइड से सीख चुके हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी यम्मी लग रहा है देखने में। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो है करेले की भुजिया। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, जीरा ऐड करेंगे, दो से तीन हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और इसमें करेला डाल देंगे, हल्दी का पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे। क्या होता है कि बुधवार का जो व्रत होता है काफ़ी लोग सेंधा नमक नहीं खाते हैं, बिना नमक का भोजन करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग व्रत नहीं भी रखते हैं और वो हरी सब्जियां या फिर हरे सलाद या फिर हरा कोई भी जो स्वीट डिश में उन्होंने हलवा वगैरह बनाई हो तो वो खा करके रह जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग नमक खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की है जिसमें कि मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं किया है और आज की जो रेसिपी है उसमें मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि करेला का जो भुजिया है थोड़ी सी कड़वी होती है और अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो ये खाया नहीं जाएगा। तो अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से सेंधा नमक डाल करके करेले की भुजिया बना करके पराठा या फिर पूरी इसके साथ जो भी आपको अच्छा लगता हो वो बना करके आप बुधवार का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप इस रेसिपी को इस तरह से बना के खा ले सकते हैं, तो भी जो व्रत है उसका पूरा फल आपको मिलेगा। तो अगर आप नमक नहीं खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नमक को स्किप कर सकते हैं या फिर आप मेरी और वीडियो को चेक कर सकते हैं जिसमें कि मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे चैनल पर बुधवार की और भी बहुत सारी रेसिपी है तो उन सबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन सभी रेसिपी को भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं ढक करके ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो ये देखिए अब जो हमारा करेला है वो पक चुका है, इसमें हम डाल देते हैं धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर डालने से कोई भी जो भुजिया है उसका जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक चम्मच आपको धनिया का पाउडर ऐड करना है। हमेशा मैं घर पे ही रखती हूँ धनिया का पाउडर बना करके, मिक्सी के जार में हल्का सा धनिया को गर्म करके और फिर उसका मैं पाउडर बना करके रखती हूँ भुजिया वगैरह में डालने के लिए। और धनिया का पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे जो करेले की भुजिया है वो हमारी पूरी तरह से हो चुकी है तैयार। तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ।